जयपुर में देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। सुबह 7 बजे तक भारी बारिश दर्ज की गई है और अगले 2 घंटे तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इस बारिश ने शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव की समस्या उत्पन्न कर दी है। बारिश के चलते शहर में 2 बच्चों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। VKI ध्वज नगर के निर्माणाधीन भवन के बेसमेंट में पानी भरने के कारण ये दुखद घटना घटी। इस घटना की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। विश्वकर्मा थाने इलाके के रोड नंबर 17 की घटना में भी 4 लोग बेसमेंट में फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार बारिश के कारण शहर के कई स्कूलों ने आज की छुट्टी घोषित कर दी है। अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर छुट्टी के संदेश भेजे जा रहे हैं। बारिश के अलर्ट के चलते स्कूल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रात भर चली बारिश के बीच SMS अस्पताल की स्थिति भी बेहद खराब हो गई है। अस्पताल के ICU में फॉल्स सीलिंग गिर गई है और नॉर्थ तथा साउथ विंग के बेसमेंट में पानी भर गया है। बड पंप के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। सेठिया ICU और न्यू मेडिकल ICU में पानी भर गया है। चरक भवन से लेकर कार्डियोलॉजी टावर तक पानी बह रहा है, जिससे मरीज और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम का सीवरेज जाम होने के कारण यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। जयपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। रात भर से जारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया। नगर निगम की टीमें जल निकासी के प्रयासों में जुटी हुई है, लेकिन लगातार बारिश के कारण समस्या बनी हुई है। बारिश के कारण उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर और अनावश्यक बाहर न निकले। जयपुर में इस वक्त भारी बारिश के चलते स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रशासन और राहत दलों की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। सामान्य पोजीशन पर है, यानी राजस्थान के उत्तरी भागों से होकर फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके अलावा इस सिस्टम के प्रभाव से खासकर राजस्थान के उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून विशेष सक्रिय रहेगा। इस दौरान भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र के जिले, वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तीव्र मेघ गर्जन, इंटेंस थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, इसके अलावा अचानक तेज हवाएं और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान खासकर भरतपुर, इसके अलावा अलवर, दौसा और जयपुर के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान हो सकती है। इन जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से ऑरेंज अलर्ट, यानी भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र के कई जिलों के लिए मध्यम से इंटेंस थंडरस्टॉर्म और तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान येलो अलर्ट रहेगा। इसके बाद यदि देखें तो 2-3 अगस्त से एक और नए सिस्टम के डेवलप होने की वजह से पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसके असर से 3, 4 और 5 अगस्त के दौरान ज्यादातर इलाकों में मध्यम से इंटेंस रेन होने की संभावना है, कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में यदि देखें तो 3 अगस्त से 5 इवन 6 अगस्त तक अगले 2-3 दिनों के लिए कहेंगे कि मानसून सक्रिय होगा। ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम, वहीं कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना 3 से 5 अगस्त के दौरान रहेगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। खासकर अगले 48 घंटों के दौरान भरतपुर, जयपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में इंटेंस थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की घटना हो सकती है, यानी कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी घटना हो सकती है। ऐसे में विशेष सावधानी मेघ गर्जन के समय रखने की सलाह दी जाती है। पेड़ों के नीचे कृपया ना खड़े रहें। इसके अलावा इंटेंस रेनफॉल की वजह से भी जो लो लाइंग एरियाज है, निचले इलाके हैं, उनमें जल भराव की स्थिति हो सकती है। कुछ जो इलाके जो नदी नालों की चपेट में जो क्षेत्र में हैं, उन क्षेत्रों में कहीं कहीं पानी की आवक भी ज्यादा हो सकती है। कुछ जो बरसाती नाले हैं उनमें बरसात के समय यूं कह सकते हैं कि जो सड़कों के ऊपर से भी पानी का फ्लो हो सकता है, तो ऐसे में वाहन चालक भी कृपया विशेष सावधानी रखें। धन्यवाद।